Rishto.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोए Rishto.com जी ब्रांच ऑफिस हाने गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर ब में भी उल्हासनगर जे पहरे में ए कल्याण जी शहर वासिन लाए एक सुहिणी सुखड़ी आलीशान ऑफिस उहो भी कपल ए पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सा गड त अचो ए अज ही विजिट कयो Rishto.com सिंधिन जो सिंधिन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। डेली पेज उल्हासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। कालानी महल में टीम ओमी कालानी के मुख्यालय राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की जिला अध्यक्षा पंचम ओमी कालानी के कार्यालय में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप सभी आए, आप सभी का धन्यवाद। आने वाले विधानसभा के चुनाव देश के चुनाव आयोग द्वारा जिस प्रकार से पत्रकार परिषद ली गई उसके अनुमान से नवंबर के 15 या 20 तारीख तक होने की संभावना जताई जा रही है। दिवाली के 15 बाद दिन बाद होने वाले ये चुनाव का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट दशहरे के आसपास या दशहरे के बाद लगने की संभावना है। आप सभी उल्हासनगर में कार्यरत मीडियाकर्मी, टीम ओमी कालानी और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी के हम सभी पदाधिकारी, हमारी जिला अध्यक्षा पंचम ओमी कालानी, हमारे टीओके के अध्यक्ष ओमी कालानी जी के मार्गदर्शन में पिछली 4 जून 2024 से आने वाले विधानसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। जब से लोकसभा के चुनाव के परिणाम घोषित हुए तब से लेकर हम पूरी तरह से विधानसभा के मोड पर हैं, चुनाव के मोड पर हैं, जिसकी एक कड़ी आप सभी पत्रकारों के साथ, हमारे नगर सेवकों के साथ, शहर के व्यापारी उद्योगपति एसोसिएशनों के अध्यक्षों के साथ एक गोवा समिट 2024 हमने किया। उस गोवा समिट में हमने अपने मैनिफेस्टो 25 पॉइंट का एक मैनिफेस्टो शहर के हर वर्ग, हर तबके, हर समाज, हर पायदान को देखते हुए एक 25 पॉइंट का मैनिफेस्टो हमने पब्लिक जनता के बीच से मंथन करके आपके सामने रखा। हमने वहाँ गोवा समिट में ही ये घोषणा कर दी थी कि हमारे उम्मीदवार, विधानसभा के उम्मीदवार युवा नेता ओमी कालानी ही होंगे। वहाँ पे हमारे राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के, हमारे नेता महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी भी वहाँ पर आए, उन्होंने भी आप लोगों के समक्ष उन सभी बातों का इशारों में खुलासा किया कि भविष्य में कालानी परिवार राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के पक्ष से और उनके निशान के ऊपर आने वाला विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो 25 अंकों का, 25 पॉइंट का जो वचननामा है, मैनिफेस्टो 2024 है, वो टीओके का नहीं होकर ये राष्ट्रवादी का होना चाहिए, जिसको पूरी तरह से राष्ट्रवादी में होना चाहिए। तो हमने उनकी इस बात को तवज्जो देते हुए आगे से राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी के नाम से कार्य शुरू किए। हमारी जिला अध्यक्षा पंचम ओमी कालानी जी, चाहे वो शहर के गंभीर मुद्दे हो, शहर की समस्याएं हो, शहर के व्यापारी वर्ग, कष्टकारी वर्ग, मेहनतकश वर्ग, लोगों की समस्याएं हो, वो अपने लेटर हेड द्वारा आए दिन अलग अलग विभागों से मांगे रखती है और अपनी चिंताएं जताती है। हमारे टीम ओमी कालानी के हमारे युवा अध्यक्ष प्रमुख ओमी कालानी जी पूरी तरह से शहर में, शहर की समस्याओं में, शहर के युवाओं में, शहर की महिला वर्ग में, शहर के व्यापारियों के बीच में कार्यरत हैं। हम सब या जो आपके सामने हैं या जो आपके सामने नहीं है, करीब 1100 लोगों की एक फौज जो पिछले 4 महीने से आने वाले विधानसभा की तैयारियों में जुट गई है। आज की पत्रकार परिषद का मुख्य मुद्दा है
कि पिछले 10 दिन से, चाहे वो श्री भगवान भालेराव जी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ उच्च स्तरीय नेता व शहर के नेता हो, या मीडिया जगत के कुछ लोग हो, एक 10 दिन से शहर भर में एक अफवाहों का बाजार चल रहा है। एक रूमर सोशल मीडिया के माध्यम से या लोगों के बीच में अफवाहें चलाई जा रही है कि ओमी कालानी जी श्रीकांत शिंदे जी की दोस्ती के साथ, उनकी दोस्ती निभाते हुए शिवसेना शिंदेगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं। शिंदेगढ़ की वाटाघाटी में ये उल्लासनगर की सीट ली हुई है, उसके लिए उम्मीदवार ओमी कालानी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ उच्च स्तरीय नेता इस बात का पत्रकारों के सामने या अपने नगर सेवकों के सामने ये बात कहते हैं कि हमारी भी बातचीत चालू है, ओमी कालानी से मुलाकात हो गई है, ओमी कालानी जी जल्द ही उच्च स्तरीय नेताओं से, महाराष्ट्र के व केंद्र के नेताओं से मिलेंगे, और ओमी कालानी फिर से या कालानी वाले और फिर से कमल के चिन्ह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नगर सेवक, हमसे जुड़ी हुई व्यापारी संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं, चाहे वो UTA हो, फोरम हो, फेडरेशन हो, या 39 जो संस्थाएं अलग अलग शहर भर की जो हमसे जुड़ी हुई है, उनके मन में भी ये सवाल आ रहे हैं इन अफवाहों को लेकर, इन हुमर्स को लेकर, कि क्या आप वापस आप भारतीय जनता पार्टी के कमल चिन्ह पर लड़ने वाले हैं, क्या आपकी इस तरह की कुछ बैठकें हुई है, क्या आप दोस्ती का गठबंधन निभाने के लिए शिवसेना शिंदेगढ़ के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये स्थिति शुरुआत में ऐसी लग रही थी कि चलो ठीक है, अफवाहें हैं, एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, 2 दिन में ख़त्म। जब बातें हमारे कार्यकर्ताओं तक, हमारे पदाधिकारियों तक, हमारे नेताओं तक आती है, तो कहीं ना कहीं उस बात का खुलासा करना बेहद ज़रूरी होता है। 2 दिन पूर्व हमारी कोर कमेटी इस विषय पर चर्चा हुई कि इस तरह के अफवाहें उमर विपक्ष के द्वारा फैलाए जा रहे हैं, उसके पीछे एक ही एजेंडा हो सकता है, या तो हमारी जो दिशा है उसे भटकाना, या हमारे कार्यकर्ता या हमारे नगर सेवकों का मनोबल तोड़ना, कल से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ छोटे मोटे पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पे ये भी दावा करना चालू किया कि TOK के 3 से 4 नगर सेवक जल्द ही घर वापसी करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए जो हमें लग रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं की या हमारे पदाधिकारियों की या शहर के व्यापारियों की या शहर के आम जनमानस की दिशा को भटकाने के लिए, उनके मनोबल को कम करने के लिए इस तरह की अफवाहें, इस तरह के रूमर फैलाए जा रहे हैं, उन्हीं बातों का खुलासा करने के लिए आज आप सभी पत्रकार बंधुओं को हमने यहाँ बुलाया है और हम अपनी बातें आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आज की इस पत्रकार वार्ता में हम ये खुलासा करना चाहते हैं कि हमने जो दोस्ती का गठबंधन किया था लोकसभा में, वो एक विशेष परिवार को, शिंदे परिवार को, और खासदार श्रीकांत शिंदे जी और ओमी कालानी की दोस्ती जो जग जाहिर है, जिसमें पूरे महाराष्ट्र ने दोस्ती के गठबंधन के नाम से जानते हैं, और जिसका प्रतिसाद उल्लासनगर के विधानसभा, जो 3 विधानसभा आती है, 141, 140 और 42 में, उसमें उसका प्रतिसाद देखने को मिला, और पहली बार 51% वोटिंग परसेंटेज उल्लासनगर में लोकसभा में हुआ है, जो करीब 9%, 9.5% की छलांग है, बढ़ोतरी है। तो ये दोस्ती के गठबंधन का असर हुआ है, ओमी कालानी और श्रीकांत शिंदे जी की दोस्ती का वो असर है, जिनको लोगों ने उस दोस्ती को माना, स्वीकार किया और अपने मत डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को, युवा नेतृत्व को दिए, शिंदे परिवार को दिए। त
तब भी हमने कहा था, मीडिया कर्मियों का सवाल था या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की के ऐसे स्टेटमेंट थे कि ये NDA को सपोर्ट कर रहे हैं, ये मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तब हमने खुले मंचों पर कहा था कि हमारा NDA को सपोर्ट नहीं है, हमारा मोदी जी को सपोर्ट नहीं है, हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। हमने एक व्यक्ति विशेष, एक परिवार को लोकसभा में दोस्ती के नाते समर्थन किया है, उनकी कार्यशैली, उनके काम को देख के समर्थन किया है और उल्लासनगर शहर में आने वाले भविष्य विकास की नीति को देख के हमने समर्थन किया है। इसमें NDA, मोदी जी और BJP का कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो दोस्ती का गठबंधन 4 जून तक, जब चुनाव के परिणाम आए उस दिन तक चला, पूरी तरह से हमने निभाया, हमने अपनी दोस्ती निभाई। ना ही हमने भविष्य में कभी ओमी जी ने या हमने या हमारी पार्टी ने कभी ये उम्मीद रखी है कि हमने लोकसभा में उन्हें मदद की, शिंदे गट को, शिवसेना शिंदे गट को या श्रीकांत शिंदे को, वो हमें बदले में मदद करेंगे, हमने ऐसी कोई भी उम्मीद रखी नहीं है। हमने खुले मंचों पर कहा है, ये एक दोस्ती है, दोस्ती के गठबंधन को हमने पानी दिया था, हमने उन्हें सपोर्ट किया था, उसमें कोई भी सौदेबाजी नहीं हुई थी, उसमें कोई भी लेना देना नहीं हुआ था, उसमें कोई भी आगे की कमिटमेंट नहीं हुई थी। पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उस चीज़ को उस वक्त भी बुनाना चाहते थे हमारी दिशा को भटकाने के लिए, और आज भी फिर से उनका वो मंसूबा चला है। और उसके साथ साथ अब भगवान भालेराव जी भी कहीं ना कहीं ये इस तरह के रूमर फैला रहे हैं कि ये तो शिंदेगढ़ में जाने वाले हैं, इनके तो बातचीत हो गई है, ये तो फिर से भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, ये तो हमारे कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान जी से इनकी बैठक हो गई है, कोई कहता है मुंबई में हो गई है, कोई कहता है ठाणे में हुई है, एक ने तो ऐसे कर दिया कि आप JP नड्डा जी से दिल्ली में भी ओमी कालानी जी मिलकर आए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रूमर्स पिछले 10 दिन से आ रहे थे। तो हमने उल्लासनगर की जनता, हमारे नगर सेवकों, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों, हमसे जुड़ी हुई औद्योगिक व दुकानदार संस्थाओं और विशेष आप मीडिया कर्मियों के लिए ये पत्रकार परिषद की है। आज हम इस पत्रकार परिषद के माध्यम से हम जो भी आपके समक्ष यहाँ बैठे हैं, आप टीम ओमी कालानी के पदाधिकारी कहिए, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के पदाधिकारी की कहिए, हम आज ये इस पत्रकार वार्ता में ये खुला डिक्लेयर करते हैं, ये हम लोग अनाउंस करते हैं कि हम भविष्य में राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जी की पार्टी, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जी की महाविकास की नीतियाँ, उनकी विचारधारा के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और भविष्य में जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने ये तय कर लिया है कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता इस महाराष्ट्र में काबिज होने वाली है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है, उस बात को लेकर किस प्रकार से उल्लासनगर शहर के विकास एक सरकार से जुड़ने के नाते होते हैं और उल्लासनगर शहर में जो रुकी हुई नीतियां हैं, जो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, वो पिछले 5 साल से जो ठंडे बस्ते में पड़ गई है, उनको फिर से गर्म करने के लिए, उन नीतियों को फिर से उल्लासनगर शहर में अमली जमा पहनाने के लिए और उनको ज़मीन पर कार्यरत करने के लिए हम महाविकास आघाड़ी के साथ राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पक्ष की तरफ से ओमी कालानी जी आने वाले विधानसभा में उल्लासनगर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये जो अफवाहें फैल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापस आ सकते हैं, या जो अफवाहें चल रही है कि फिर से विधानसभा में भी दोस्ती का गठबंधन दिखने वाला है, ये लोग शिंदेगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं, इनकी बातचीत हो गई है, इनका तय हो गया है, उन सभी चीज़ों को हम आज की इस पत्रकार वार्ता में विराम लगाना चाहते हैं। हम फिर से आपके समक्ष आपसे यही हम चाहते हैं कि ये मीडिया के माध्यम से उल्लासनगर के जन जन तक, हर जनमानस तक हमारा ये संदेश, हमारी ये जो भी पत्रकार वार्ता है, आप सभी पहुंचाएंगे कि ओमी कालानी जी, ओमी पप्पू कालानी जी आने वाले उल्लासनगर 141 विधानसभा चुनाव राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की पार्टी NCP शरद पवार से चुनाव लड़ने वाले हैं और महा विकास आघाड़ी के घटक दल होकर चुनाव में सामने जाएंगे। देखिए, पवार साहब और कालानी परिवार, पवार फैमिली और कालानी परिवार के संबंध पूरे महाराष्ट्र भर में जग जा रहे हैं। आपको मैं 2019 में के चुनाव में थोड़ी नज़र आपकी मैं वहाँ कर दूँ।
भारतीय जनता पार्टी की धोखेबाजी के कारण ओमी कालानी जी या कालानी परिवार को टिकट भारतीय जनता पार्टी की देंगे, क्योंकि एक ऐसा उन्होंने वादा किया था, उसको उसके कारण, उनकी धोखेबाजी के कारण जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट का ऐलान कालानी परिवार को नहीं हुआ और उसके पीछे किस प्रकार से हमारी पूर्व आमदार श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी जी का इस्तीफा दिया दिलवाया गया राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार से और टिकट भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं दी गई, मात्र 11 दिन पड़े थे। यहाँ तक कि जब एकजुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी उसका AB फॉर्म, एनेक्सर AB जिसे टिकट कहा जाता है, वो श्री भरत गंगोत्री जी को भी दी गई थी। यहाँ तक कि भरत गंगोत्री जी एक दिन पहले आनंद फानन में गाई गाई में जल्दी में भर के भी आए थे, अपना नामांकन भर के भी आए थे, पर जब उस धोखे के कारण पवार साहब ने, पवार परिवार ने, आदरणीय जयंत पाटिल जी ने, आदरणीय अवार्ड साहब ने देखा कि धोखा हुआ है, उन्होंने कालानी परिवार का साथ उस वक्त भी नहीं छोड़ा था जबकि उनके पास बहुत सारे कारण थे कि इस्तीफा तो आपने दे दिया है, रिज़ाइन तो आपने कर दी है, उनके पास बहुत सारे कारण थे और वो किसी को AB फॉर्म दे भी चुके थे और वो नामांकन भर भी चुके थे, तो बहुत सारे कारण थे, पर उन सभी कारणों को उन्होंने दरकिनार किया और कालानी परिवार के साथ अपने रिश्तों का एक और प्रमाण उन्होंने दिया और उन्होंने श्री भरत गंगोत्री जी की फॉर्म भरी हुई AB फॉर्म को उन्होंने कैंसिल किया। महासचिव, प्रदेश के महासचिव यहाँ पर आए थे, उन्होंने आके रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कहा कि हम इनका कैंसिल करते हैं और श्रीमती ज्योति कालानी जी को हम अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पवार साहब और कालानी परिवार के संबंध आज भी उतने अटूट हैं, उतने मजबूत हैं। आज पवार साहब से हर बात की जानकारी लेकर, शहर की दिशा और दशा की जानकारी देकर कालानी परिवार कार्य करता है, चाहे उसमें लोकसभा के चुनाव हो, दोस्ती का गठबंधन हो, ये हर चीज़ कॉन्फिडेंस में लेके कालानी परिवार करता है। और आज आश्वासन नहीं कहूँगा, पर एक जो उनके संबंध है कालानी परिवार के और पवार साहब के, उन संबंधों के नाते उन्होंने हमको कहा है आप कार्यरत की जो रही है, पूरी तरह से आप मैदान में डटे रहिए, पर एक महाविकास आघाड़ी की मर्यादा होती है, सीट शेयरिंग की एक मर्यादा होती है, एक शिष्टाचार होता है कि सभी एक ही साथ डिक्लेयर होगा, चाहे वो यदि एक आती है, दो आती है, पर महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल जैसे राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और राष्ट्रीय कांग्रेस आए, सब मिलकर एक ही साथ तय करेंगे, उससे पहले कोई भी घोषणा नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे छुपा समर्थन भी दिया गया है, वो कार्यरत भी है, पर हम बाकी चीज़ों में नहीं जाते हैं, हम अपने उल्लासनगर पर आते हैं, तो पूरी तरह से हमें एक सिग्नल मिला है और आज की पत्रकार परिषद भी वरिष्ठों के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। तो जैसे ही महाविकास आघाड़ी की घट स्थापना के बाद या दशहरे के आसपास जो सूचियां जाहिर होगी उसमें आपको पूरा तरह से पता चल जाएगा कि पवार साहब और कालानी परिवार के संबंध और कितने मजबूत और अटूट हैं, ये आपको जल्दी पता चलेगा। पर एक जो मर्यादा है महाविकास आघाड़ी की, एक प्रोटोकॉल है, एक शिष्टाचार है, हम उसका पालन करते हैं, तीनों पक्षों का एक ही साथ डिक्लेयर होना चाहिए। हम इसके लिए बिल्कुल नहीं, टीम ओमी कालानी एक युवाओं की विचारधारा है, एक स्वयंसेवी संस्था है, NGO बन के काम कर रही है, राजनीतिक पार्टी बन के पिछले 12 साल से कार्यरत है। चाहे जब हम 2017 में उल्लासनगर की महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के साथ UDA अलायंस हमने बनाया था, उल्लासनगर डेवलपमेंट अलायंस हमने बनाया था, तब भी उसमें टीम ओमी कालानी, भारतीय जनता पार्टी, RPI, गवई गट, बाकी जितने भी गट थे सभी का समावेश था उस अलायंस में। फिर 2019 में जब हमने शिवसेना एकत्र थी, उनकी महापौर लीलाबाई अचान जी को हमारे 11 मत देकर महापौर बनाया और श्री भगवान भालेराव जी को उपमहापौर बनाया, तब भी टीम ओमी कालानी पूरी तरह से कार्यरत थी। टेक्निकली AB फॉर्म जो था वो भारतीय जनता पार्टी का था, पर फिर भी टीम ओमी कालानी कार्यरत थी। अभी जब दोस्ती का गठबंधन हुआ तब भी टीम ओमी कालानी ने दोस्ती का गठबंधन
डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और शिंदे परिवार के साथ किया था और आज राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की जिला अध्यक्ष पंचम ओमी कालानी जी हैं, पूरी तरह से वो कार्यरत हैं। ओमी कालानी जी आने वाले विधानसभा चुनाव में 141 विधानसभा के राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवार रहेंगे, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार रहेंगे, पर टीम ओमी कालानी कोई भी बर्खास्त नहीं हो रही है, विलीन नहीं हो रही है और समाप्त नहीं हो रही है। टीम ओमी कालानी एक युवाओं की विचारधारा है, वो युवाओं की विचारधारा हमेशा बनकर कार्यरत रहेगी। सर, पक्षाचे अध्यक्ष पंचम कलंग आहे आणि उमेदवार भावी भूमी कलंग आहे, दोघांपैकी एक पण उपस्थित? दोघांपैकी एक पण उपस्थित नाही। असं आहे की मी तुम्हाला सांगितले की 4 जून नंतर आपले सर्व पदाधिकारी पप्पू कालानीजी हो, ओमी कालानीजी हो, पंचम कालानीजी हो, वो अपने अलग अलग क्षेत्रों में उनकी जवाबदारियाँ जो दी हुई है वो पूरी तरह से कार्यरत हैं। मीडिया की जवाबदारी, पक्ष के किसी घोषणा की जवाबदारी या मीडिया द्वारा किस प्रकार से जनमानस तक संदेश पहुंचाना है उसकी जवाबदारी हम लोगों तक रखी गई है। उसके माध्यम से उनके मार्गदर्शन में उनके दिए गए निर्देश पर हम आपसे पत्रकार परिषद ले रहे हैं। कुछ दिन पहले आदरणीय पवार साहब से जो बैठक पप्पू कालानी जी और पंचम कालानी जी, ओमी कालानी जी की जो बैठक पवार साहब से हुई थी और मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों ने देखा, उस महत्वपूर्ण बैठक में जितेंद्र आवाड़ जी भी जो थाना जिला के प्रमुख हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उस महत्वपूर्ण बैठक में एक निर्णय लिया गया कि कल्याणपुर व अंबरनाथ और उल्लासनगर विधानसभा में पप्पू कालानी जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। तीनों विधानसभाओं की जो प्रमुखता की जो जवाबदारी है वो पप्पू कालानी जी के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ने रखी हुई है। उसके बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब और आवाड़ साहब के बैठक में फिर एक बार ओमी कालानी जी और पंचम कालानी जी, पप्पू कालानी जी उपस्थित रहे और राष्ट्रवादी आलाकमान के नेताओं के भी बैठकों का दौर चलते रहा और उस बैठक में भी ऐसा ही तय किया पार्टी ने कि तीनों विधानसभाओं की जो जवाबदारी है वो आदरणीय पप्पू कालानी जी के ऊपर है। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हो, शिवसेना का उम्मीदवार हो या कांग्रेस का उम्मीदवार हो, उसके चुन कर लाने की महत्वपूर्ण जो जवाबदारी है पार्टी ने पप्पू कालानी जी के ऊपर रखी है। बात रह गई कि ओमी कालानी जी, लासी जी ने बताया कि ओमी कालानी जी है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार साहब के उम्मीदवार तुतारी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। जो लासी जी ने कहा कि पूरे शहर भर में जो भी वूमर्स हैं कि भाजपा के आलाकमान के नेताओं के साथ हमारी कोई बैठक हुई है, ये वूमर्स इसलिए फैलाए जा रहे हैं क्योंकि आए दिन रोज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अभी हाल ही में प्रकाश तलरेजा, दिनेश कुंग, ऐसे अनेक साथी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल नगर सेवक रेखा ठाकुर और भी 4 से 5 नगर सेवक वो ओमी कालानी जी के अध्यक्षता में जल्द राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और टीम ओमी कालानी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने षड्यंत्र के तहत पूरे शहर में इस तरीके के बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। मैं आज यहाँ से आप लोगों के, हमारे नेताओं के समक्ष और ओमी कालानी जी के आदेशानुसार मैं आप लोगों को कहूँगा कि जीवन में अभी हम कालानी परिवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में रहेंगे, थे और रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी हम नहीं जाएंगे। ना कि हमारा कोई उनके नेताओं से हमारा कोई संपर्क हुआ है, ना उनके साथ में हमारी कोई बैठक हुई है, ना भविष्य में होगी। तो ऐसे में ओमी पप्पू कालानी जो है वो तुतारी चिन्ह पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उल्लासनगर के उम्मीदवार होना ये निश्चित तौर पर हमको आलाकमान के नेताओं ने जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया है और अब पूरी जो हमारी संगठनात्मक जो ताकत है, हमारी संगठन के हमारे जो प्रमुख है पंचम कालानी जी के अध्यक्षता में जो संगठन का काम करते हैं वो हमारे संतोष पांडे जी, सुंदर मुदलियार जी, ये सभी के सभी संगठन का काम, पंकज त्रिलोकानी जी, ये संगठनात्मक काम कर रहे हैं और साथ ही साथ व्यापारियों के जो उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन की जो प्रमुखता से जो काम कर रहे हैं वो हमारे सुमित चक्रवर्ती जी, अजीत माखीजानी जी, राजेश टेकचंदानी जी, अनेक साथी नरेश दुर्गानी जी और फॉरम ऑफ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं पीतू राजवानी जी, नोनी सेठ जी और इस कार्यालय के जो प्रमुख हैं आनंद शिंदे जी,
ये पूरी तरीके से हमारी जो संगठनात्मक जो बैठकें हैं वो आए दिन पप्पू कलानी जी, ओमी कलानी जी लेते जा रहे हैं और संगठन हमारा बहुत मजबूत हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने के बाद इस तरीके का जो माहौल है वो उल्लासनगर में बनाया जा रहा है कि कहाँ पर कोई कह रहा है कि बावन कुले जी के साथ में बैठक हुई है, कोई कह रहा है देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ में बैठक हुई है, हमारी कोई भी बैठक यहाँ पर हुई नहीं है। हम सीधे तौर पर आज ही मैं यहाँ पर कहूँगा कि ओमी कलानी जी तुतारी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतना ये निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के संगठनात्मक तौर पर लोगों ने ठान लिया है और उल्लासनगर की जनता ने भी इस बार ठान लिया है कि किस तरीके से शहर में परिवर्तन करना है और युवा आमदार के तौर पर ओमी कलानी जी तुतारी चिन्ह पर उम्मीदवार रहेंगे। टीओपी में कार्यरत में है क्या नहीं अभी? बिल्कुल है, टीम ओमी कलानी एक पैरेलल संगठन है, उस संगठन के पैरेलल संगठन हम उसके साथ ही चला रहे हैं। जो लोग टीम ओमी कलानी से जुड़े हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी वही सभी साथी जुड़े हुए हैं। आज हमारे शहर के 22 नगर सेवक कलानी परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में है। माझी जो नगर सेवक है इसके पहले, मतलब ये टर्म के पहले के जो माझी नगर सेवक है वो 28 से 32 नगर सेवक हमारे साथ में है, उसकी भी पूरी जो सूचना है वो आने वाले दिनों में हम देंगे। संगठनात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, इसी के कारण गो में जितेंद्र रावत ने कहा था कि वो हटाओ और राष्ट्रवादी लगाओ, नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा था कि टीम ओमी कलानी का जो मैनिफेस्टो है यही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है और जो भी हम काम कर रहे हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तुतारी चिन्ह पर ही काम करने वाले हैं और तभी तौर पर आने वाले दिनों में प्रचार प्रसार जल्द से जल्द चालू हो जाएगा और हम तुतारी के निशान को उल्लासनगर के घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आमदार भी विधानसभा के अंदर तुतारी चिन्ह पर ओमी कलानी जी होंगे और महानगर पालिका का महापौर भी तुतारी चिन्ह पर ओमी कलानी जी कलानी परिवार का होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तुतारी चिन्ह पर हम सभी चुनाव वहाँ पर लड़ेंगे, महानगर पालिका का भी, पर विधानसभा के चुनाव है तो हम विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा में तुतारी चिन्ह पर हम चुनाव लड़ेंगे। निकम जी, राज्य में एक सवाल का जवाब दीजिए, बी प्लान बताइए, ये तो एक प्लान हो गया, बी प्लान क्या है? वो क्या होता है बी? निकम जी, कई दिन पहला एक कोई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हमारे पास, हमको ना किसी के पास जाना है ना हमारी इच्छा है। सोशल मीडिया प्रमुख ने कहा है कि बीजेपी का एक नगर सेवक आपके पास आने वाला है, वो सच है कि वो भी अफवाह है? ये देखिए, एक नहीं ऐसे चार नगर सेवक आने वाले हैं, सभी नेताओं ने वहाँ पर चर्चा की है, कोर कमेटी में डिस्कशन हुआ है, वो चार ही नगर सेवकों को जल्द हम लेने वाले हैं। एक एक टप्पे में भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटका देते जाएंगे और उनकी जो इंटरनली लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, उस लड़ाई के मुताबिक उनकी क्या लड़ाई हमको उसके कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, पर यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी के और भी पदाधिकारी और नगर सेवक छोड़कर ओमी कलानी जी और पंचम कलानी की अध्यक्षता में और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में वो हमारे साथ में आ रहे हैं। चर्चा है कि आइलानी यानी कलानी शिवाय दूसरा पर्याय पाहिजे, लोक निवडून येतात आणि शहर विकासाची काम करतात। देखिए, ये जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से कूद कर वंचित आघाड़ी में जो गए हैं वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। उनके ऊपर क्या आरोप लगा है, उनके ऊपर क्या केसेस हुए हैं, उनका क्या शहर के अंदर उनकी प्रतिमा है, उनके शहर के अंदर उत्तर भारतीय समाज के साथ में उन्होंने क्या किया है, वो आने वाले दिनों में जब चुनाव की बिगुल बजेगा उस वक्त पर हम कहेंगे कि उसने क्या क्या किया है। जो ऐलानी और कलानी ने शहर के लिए क्या किया वो शहरवासियों को जानकारी है, पर जो अभी नए नए जो उम्मीदवार हैं जो वंचित आघाड़ी में गए हैं वो मैं उनको कहूँगा कि उल्लासनगर का वो राजा बाबू है। कमलेश जी, कई दिन पहला जो जयंत पाटिल की एक सभा हुई थी, सभा में उपस्थित जो भगवान मालेराव है जो आत्या छोड़कर तुतारी का चिन्ह मतलब उम्मीदवारी मांग रहे, कहा गया था कि भगवान मालेराव यहाँ पे उल्लासनगर से उपस्थित थे, उसके बाद उन्होंने उनके कार्यालय पे ज्वेलर्स बनाया था, इस पर आप क्या कहना, मतलब उम्मीदवार नहीं फिक्स रहेंगे तुतारी से? देखिए, मैं अभी कहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र के माध्यम से कोई भी टिकट मांग सकता है, भालेराव जी ने टिकट मांगा होगा वहाँ पर, और जो भी वीडियो आ रहे हैं वहाँ पर जयंत पाटिल जी ने कहा है ये इच्छुक उम्मीदवार है, तो इच्छुक उम्मीदवार है, ना कि कोई उम्मीदवारी की उन्होंने घोषणा की है। जयंत पाटिल साहब, जितेंद्र आवाड़ जी और पवार साहब तीनों नेताओं की प्रमुखता से बैठक
कलानी परिवार के साथ में हो गई है। मैं निश्चित तौर पर कहूँगा, मैं अपेक्षा करूँगा हमारे नेताओं से, उनको याद होगा कि जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पवार साहब 99 में जब स्थापना की थी, तो पहला महापौर महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ज्योति कलानी के रूप में महापौर उल्लासनगर में दिया था। और पार्टी को पता है कि कलानी परिवार का क्या योगदान है। ज्योति कलानी आखिरी सांस तक पवार साहब के साथ में रही है। पप्पू कलानी जी अपने जीवन के आखिरी सांस तक पवार साहब के साथ है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तुतारी चिन्ह पर आदरणीय ओमी कलानी जी चुनाव लड़ेंगे। और महाराष्ट्र में सबसे पहले विधानसभा का आमदार कोई शुरुआत होगी तो वो पहले उल्लासनगर से होगी, क्योंकि पहली बार तुतारी के चिन्ह के ऊपर राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जी मैदान पर विधानसभा के चुनाव में उतरे हैं। पहले लोकसभा हो गई, अब विधानसभा। तो जिस प्रकार से 2002 में पहली महानगर पालिका राष्ट्रवादी के घड़ियाल चिन्ह के ऊपर उल्लासनगर ने दी थी, पहला महापौर ज्योति कलानी के रूप में उल्लासनगर दिया था, तो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की तुतारी निशान का पहला आमदार की शुरुआत भी उल्लासनगर से होगी। क्या लगता है आपको, इस बार जिस प्रकार से कुमार इलानी ने पिछले चुनाव में 2019 में एक झूठा वादा किया था कि हम उत्तर भारतीय समाज को हम उत्तर भारतीय भवन देंगे, आपने भी अपने मैनिफेस्टो में लेके आए, तो ऐसे तो नहीं जैसे कुमार इलानी ने चॉकलेट दिया उत्तर भारतीय को, इस प्रकार भी आपके भी कोई चॉकलेट का कुछ हो? देखिए, हमारी चॉकलेट की कोई फैक्ट्री नहीं है, और हमने शहर के चाहे उत्तर भारतीय समाज हो, बौद्ध दलित समाज हो, सिंधी समाज हो, इतर मराठी समाज हो, उनके साथ जो जो भी कालानी परिवार ने आज तक वादे किए हैं, समय रहते वो पूरे किए हैं। चाहे सत्ता में हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, या पोजीशन पे हो, मेयर हो, एमएलए हो या ना हो, कालानी परिवार के ऊपर इस शहर का अटूट विश्वास है, जिसके परिणाम, जिसके बहुत सारे उदाहरण, जेल में रह के भी दो बार पप्पू कालानी जी एक अपक्ष निशानी के ऊपर, तालाचाबी के ऊपर चुनकर आते हैं, जो पूरे विश्व भर में अपने आप में रिकॉर्ड है। आप गूगल पे जाके खोलेंगे, दो बार लगातार जेल से कोई चुन के आया है तो सुरेश भद्रमल पप्पू कालानी है, न वो नेल्सन मंडेला है, न वो और कोई है, पप्पू कालानी है। तो ये शहर की जनता ने पप्पू कालानी की कार्य, कालानी परिवार के किए हुए वादे, ज्योति कालानी की महिलाओं के विकास और सुरक्षा की बातें, ओमी कालानी जी की युवा और दुकानदार व्यापारी भाइयों और हर वर्ग के लोगों के साथ किए हुए वादे, उनकी सुरक्षा, उनके विकास पे इस शहर को पूरी तरह से भर रहा है। उत्तर भारतीय भवन मिलेगा, उत्तर भारतीय भवन शानदार, पूरे महाराष्ट्र में एक नंबर उत्तर भारतीय भवन, जिसका नाम होगा चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर भारतीय भवन, बोट क्लब में बनेगा, ये हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। और आने वाले चुन के आने के बाद के एक साल के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर भारतीय भवन बोट क्लब में हम बनाएंगे।